नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत बड़ा दावा किया। मुलायम और अखिलेश के गढ़ मैनपुरी के करहल में जहां 38% यादव हैं, योगी का दावा है कि वहां भी अखिलेश हार जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है? क्या यादव लैंड में अखिलेश यादव दबाव में है? और क्या मुलायम परिवार एक है या सिर्फ तस्वीर एक है? करहल में मुलायम के वोट मांगने के मायने क्या हैं? करहल में योगी आदित्यनाथ ने जो दावे किए हैं, अगर वो सच होते हैं तो यूपी चुनाव की पूरी बिसात बदल जाएगी। क्या शाह और योगी का चक्रव्यूह अखिलेश तोड़ पाएंगे? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको पांचवें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। योगी के जिस बयान से सबसे ज्यादा खलबली है वो है शिवपाल यादव के बारे में। करहल में जितने लोकप्रिय अखिलेश हैं उससे ज्यादा लोकप्रिय शिवपाल हैं। यहां से उनका पुराना नाता है। मुलायम के गांव में मुलायम के रिप्रेजेंटेटिव शिवपाल रहे हैं। आज योगी ने मुलायम की विरासत की लड़ाई को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कहां प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। करहल से चुनाव मैदान में उतरे अखिलेश यादव का दावा भी कम कमजोर नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है कि करहल में बीजेपी के बूथ पर इस बार भूत नाचेंगे। जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। इस बार ये जो उत्साह जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। तो करहल की राजनीति गर्म है। इस पर चर्चा करने के लिए राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। अभिषेक सोम है नेता समाजवादी पार्टी, वो हमारे साथ हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं और बीजेपी समर्थक शिवम हैं, जबकि डॉक्टर ए एच खान, प्रवक्ता बीएसपी, हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बनता है। सोम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर अखिलेश के लिए वोट मांगते हैं तो इसके क्या मायने लगाए जाएं? दबाव ज्यादा है या परिवार का बेटा लड़ रहा है तो उतरना जरूरी है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, क्या बीजेपी अखिलेश यादव को करहल में घेरने में कामयाब रही है? देखिए पवन जी, ये तो उनके बदहवासी से साफ स्पष्ट हो जा रहा है। जिस तरह से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर हमला हुआ है, हमारी राज्यसभा की सांसद गीता साक्षी जी पर हमला हुआ है, स्वयं मुझे टेलीफोन करके थ्रेटन करने का काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है
कि समाजवादी पार्टी को ये पूरी तरह से भान हो गया है, उनको एहसास हो गया है कि करहल में इस बार उनकी साइकिल पंचर होने जा रही है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं जिनमें पिछली बार हम 1 सीट जीते थे, हम पूरे विश्वास के साथ कह सक रहे हैं इस बार चारों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। अखिलेश यादव जी के लिए इनके परिवार के अभय राम यादव जी, जो अब तक कभी चुनाव प्रचार में नहीं निकले, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई, कभी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, परिवार में इकलौते, और वो भी इस बार चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी की इस समय चूल्हे हिल गई है। समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ बताती थी, जिसको अपना किला बताती थी, वो किला भरभरा करके ढह रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम परिवार के सदस्य इस समय निकल करके वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके परिवार के भीतर ही हमने सेंध लगा ली है। परिवार के भीतर के कई सदस्य जो शिवपाल सिंह यादव जी के अपमान से दुखी हैं, जो मुलायम सिंह यादव जी के अपमान से दुखी हैं, उन सबके लिए सुनहरा मौका है कि कैसे अखिलेश यादव जी को आज पराजित करके उनको अपमान का आज खामियाजा भुगतने पर मजबूर किया जाए। अभिषेक जी, होंगे की तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया में वायरल है कि कैसे शिवपाल सिंह यादव जी को अपमानित किया गया है। अभिषेक जी, अभी उन तक हमारा आवाज नहीं जा पा रही है, तो इस बात में हम बीएसपी को ले आते हैं। बीएसपी के एमएच खान हमारे साथ हैं। खान साहब, आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है करहल की? कांग्रेस ने तो उम्मीदवार नहीं दिया, आप क्या इस तस्वीर में हैं? और हैं तो अखिलेश को हरा पाने का दम बीजेपी में है या बीएसपी में है? देखिए, ये अखिलेश जी के आने से पहले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के आने से पहले, उससे पहले ही हमने पार्टी के अपने प्रत्याशी उतार दिया है, जो पूरे गांव में एक एक बूथ पे घूम चुका है, दो दो तीन तीन राउंड लगा चुका है। और देखिए, राकेश जी के बात से लग रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अभी आप कहते इस पर हमला हुआ, उस पर हमला हुआ, जो डीएम पहले थे, जो एसपी पहले थे, जो एसएसपी पहले थे, जो सीईओ पहले थे, भारतीय जनता पार्टी जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, वही डीएम, वही एसपी, वही सीईओ, वही एसओ मौजूद हैं। तो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ध्वस्त है, इसलिए जनता वोट करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी को कि कानून व्यवस्था के नाम पर वोट करने जा रही है। और याद रखिएगा, 2019 में जब मुलायम सिंह जी लड़े थे तो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट से जीते थे, लगभग 1,00,000 वोट से जीते थे, पहले जीते थे 3,00,000 से, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया तब मुलायम सिंह जीते थे। अब हम यहां पर मुलायम सिंह यादव जी को या अखिलेश यादव जी को या इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। वहां की जनता ये बता रही है कि हाँ, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब ये कह रहे हैं राकेश जी कि मैंने उनके घर में सेंध लगा दी है। अरे भाई, आपने घर में सेंध लगाई है, हमने जनता में सेंध लगाई है, जनता को हमने जगाया है और जनता से कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और दंगा करने वाली पार्टी है। यह हमने साबित किया है वहां पर करहल में। अभिषेक सोम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी हताश है, तो बीएसपी कह रही है कि जनता का मन हमने जीता है। अगर मुलायम सिंह यादव करहल में चुनाव प्रचार करने उतरते हैं तो इसके क्या मायने हैं? समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी जनता के नायक हैं और तमाम नौजवान, किसान, मजदूर, तमाम सब उनको अपना नेता मानते हैं। अगर वो स्वतंत्र हैं, वो करहल छोड़िए, वो तो कहीं पे भी प्रचार कर सकते हैं। इसमें क्या, जनता उनको सम्मान से बुलाती है तो हर कोई इंसान जाना चाहेगा। तो इसका भी एक राजनीतिकरण करने का ये भारतीय जनता पार्टी है के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुलायम सिंह जी क्यों करहल चले गए, इस बात पे ही चर्चा का विषय बना दिया जाए? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इनके जो प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल साहब कह रहे हैं कि मैं खुद खतरे में हूं। जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप इस बात को सुनिश्चित करिए। तो ये सब तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है और समाजवादी सरकार में तमाम जितने भी किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, सभी लोगों का विकास होगा। विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो राकेश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर नेताजी जनता के बीच जा रहे हैं, नायक हैं, तो इसमें खुश होने की बात क्या है? क्या आप मुगालते में तो नहीं? लेकिन दो बातें कहूंगा मैं। एक तो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे, वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाए क्योंकि वो जान रहे थे आजमगढ़ में उनकी पराजय हो जाएगी। आज ही अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में कुछ आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, कुछ को आजीवन कारावास हुआ है।
देख करके इस बात के सुख भी हुआ कि कुछ कम से कम जो जिन्होंने अपराध करने का काम किया था उनको कानून व्यवस्था ने दंड देने का काम किया है। लेकिन जब मैं सूची देख रहा था तो सूची में कुछ नाम हमको उत्तर प्रदेश के दिखाई पड़े आतंकवादियों के, और वो आजमगढ़ के दिखाई पड़े। आजमगढ़ की जो छवि थी वो उत्तर प्रदेश में हमने बदलने का काम किया, इस वजह से आज आजमगढ़ के जो काली मिट्टी के बर्तन थे जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम आगे बढ़ाए हैं, इसलिए आज आजमगढ़ में चुनाव लड़ने की हिम्मत अखिलेश यादव जी नहीं जुटा पाए। मैनपुरी आए ये सोच करके कि पिताजी की सीट है, पिताजी ये बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ अभिषेक सोम जी से, मुलायम सिंह यादव जी इतने बड़े नेता है, धरती पुत्र कहे जाते रहे हैं, केवल मैनपुरी की करहल सीट पर ही प्रचार करने क्यों गए, जहां पर अखिलेश यादव जी की सबसे सेफ सीट है? वो मैनपुरी की किसी सीट पर जा सकते थे, वो मैनपुरी सीट पर जा सकते थे, मैनपुरी की भोगांव सीट पर जा सकते थे, वो क्यों नहीं मैनपुरी की अन्य सीटों पर प्रचार करने गए, केवल करहल में प्रचार करने क्यों आए? क्योंकि सच जानते हैं कि करहल में उनके बेटे की इज्जत दांव पर लग गई है, और आज ये स्थिति बन गई है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल अब जो एक्सप्रेस वे उनके सैफई से गुजरता है ना, करहल से गुजरता है ना, उस सैफई से साइकिल इनकी निकल करके अब करहल से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे पर भी नहीं पहुंच पाएगी, वहीं पंचर होने जा रही है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सामान्य पृष्ठभूमि से गांव गरीब किसान के नुमाइंदे हैं, दलित पिछड़ों की आवाज है, और जिस तरह से उन्होंने आज मोर्चा संभाला है, समाजवादी पार्टी के कुनबे में हड़कंप मच गया है, समाजवादी पार्टी के लोग हताश होकर के उन पर कातिलाना हमला कर रहे हैं, और अभिषेक सोम कह रहे हैं कि वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे। अभिषेक जी से एक सवाल ले लेते हैं, इनका कहना है कि मुलायम यादव करहल में क्यों आते हैं, सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जो चक्रव्यूह बना रहे हैं, क्या अखिलेश उसमें फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, जनता हमारे साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश के भाजपा के नेताओं ने करहल में जाके डेरा डाल लिया है, तो तमाम इस जनता समझदार है, जनता जानती है कि उसका विकास किस दल के साथ होगा। इन भाजपा के साथ रहने पे उनको बेरोजगारी, हत्या, लूट, अभिषेक जी, जो आप बात कह रहे हैं ये तो मंच पे भी होती है। आज चर्चा का विषय ये है कि अखिलेश यादव के लिए पूरा यादव परिवार अगर उतरता है तो उसको समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती, हम यह समझना चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी इसको कह रही है हमारी मॉरल जीत है कि हमने अखिलेश को 40 दिन पहले 6 दिन के अंदर ही वापस चुनाव प्रचार के लिए बुला लिया, आप कैसे देखते हैं? हमारा सवाल ये है। देखिए, जनता जब किसी नेता, अपने नेता को प्यार करती है और उसको बुलाती है, सब सम्मान से बुलाती है, उनको तो आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो खुले तौर पे कह चुके थे कि अगर मैं प्रचार करने के लिए भी नहीं आऊंगा तो भी जनता जीत दिलाएगी, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। जनता द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्होंने उनको जो उनके प्रस्ताव था उसका सम्मान रखने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये क्यों इस बात को मुद्दा बनाकर, संभवतः भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है अपनी हार को लेके, तो इसलिए ये इनकी वे बौखलाहट है। एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि मेरे शिवम हमारे साथ है, शिवम समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये मजबूरी नहीं, जनता का प्यार है जो उन्हें करल तक खींच लाया है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ प्यार तो उनके लिए उतना है कि सभी जगह जाना चाहिए। अब जैसा कि राकेश जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ करहल तक के तो नेता नहीं है, उनको धरती पुत्र कहा जाता है, और पिता की जहां तक बात है इस बात से तो सभी अग्री करेंगे कि पैनल में बैठे हुए सभी के पिता तो सभी की नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन पिता को बहुत स्ट्रेटेजिकली सिर्फ इसी जगह क्यों, उनको पूरी जगह बाहर लेकर आइए, हर सीट पर उनसे चुनाव प्रचार कराइए। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो देखिए पिताजी चाचा जी किस तरीके से व्यवहार हो रहा है उनके साथ। चाचा जी को तो मुझे लग रहा है वो जो 7-स्टार बस मिली है उसमें कहीं जगह भी नहीं मिली, अरे एक सोफा एक्स्ट्रा बनवा देते कम से कम, चाचा जी जिन्होंने पार्टी खड़ी की है उनको भी कहीं जगह दे देते। और जहां तक बात घबराने की लगातार इन्होंने कही, घबरा भारतीय जनता पार्टी रही है और हमले समाजवादी पार्टी करा रही है, किस तरह से एसपी सिंह बघेल जी के ऊपर हुआ ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई बहुत नया नहीं है समाजवादी के साथ, आपने देखा होगा कई बार इससे पहले भी हो चुका है, इटावा में भी एक बार फिर से चुनाव रद्द करके दोबारा गिनती करवाई गई थी, इसी देश में हुआ था ये। आप हम दो ये 21वीं सदी में आ गए हैं, ये गुंडागर्दी वाली जो चुनाव लड़ने की आपकी नीति है
ये समाजवादी वाले कब छोड़ेंगे इसको? हम लोकतंत्र में हैं, कहीं किसी की गाड़ी तोड़ देते हो, किसी पर हमला कर देते हो, किसी पर गोलियां चला देते हो। अब सोचिए पलटकर, आपको गोरखपुर में अगर ये हुआ होता और श्री आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी के किसी नेता पर इस तरीके का हमला हुआ होता तो मेरा ख्याल इस देश में 5 दिन मीडिया पर वो चलता। जब ओवैसी जी पर हमला हुआ, जो कि गलत था, कितने दिन उसका मीडिया पर न्यूज बनी। लेकिन इस तरीके से एक आम कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को, एक दलित कार्यकर्ता को एक चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया जा रहा। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में ही अगर एक कैंडिडेट को जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर प्रचार करना पड़ेगा, और अभी तो सरकार में नहीं आए हैं समाजवादी वाले। बस करो, आपका ये गुंडागर्दी वाला मॉडल देश पहले भी देख चुका है। खान साहब से भी एक बार सवाल ले लेते हैं। खान साहब, बीजेपी कह रही है हमारे ऊपर हमला हुआ, ऐसा माहौल है, करहल में वोट मांगना मुश्किल है। जो बीजेपी पे हमला हुआ, इसको बीएसपी कैसे देख रही है? देखिए पवन जी, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी बैठे हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हैं। दोनों लोगों ने यही बात कही है कि प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, गोली चलाई गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं तो पूछ रहा हूं ना, कानून व्यवस्था कहां है आपकी? है बुलडोजर कहां, किसके पे चला था? आपने कहा 5 साल में हम कानून का राज ले आए, तो कानून का राज ले आए। तो मैं बार बार फिर वही बात कह रहा हूं कि वही डीएम, वही एसपी, वही सीओ, वही इंस्पेक्टर, और ये कानून का राज कहां है? कानून का राज खत्म है। राज समाजवादी पार्टी में था पूछ रही और भारतीय जनता पार्टी के का राज है, में भी तो गुंडा राज है। उम्मीदवार डरा हुआ क्यों है? हमले की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हो कि वोट मांगने में क्यों डरा हुआ है? पूछा है सर हमने सवाल, राकेश जी, आखिर इनको क्यों डर लग रहा है? अगर इन्होंने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है तो ये देखिए, और किसी चीज में बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई में बात नहीं कर रहे हैं, डीजल में बात नहीं कर रहे हैं, किसान में बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की चिंता बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज में बात नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, नहीं पूरी बात सुन लीजिए। आपका सवाल मैंने सुन लिया है, आपका सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एक बात तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड रोकना पड़ेगा राकेश जी, एक खबर आ रही है अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि एक आतंकी के पिता का संबंध सपा से है। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट में आज ही सजा का ऐलान हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हित चिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए, चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को? और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट का जो आरोपी है उसके पिता के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से अभिषेक सोम जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, क्या अब अगला चुनाव में ये मुद्दा रहने वाला है? क्या कहेंगे? काफी गंभीर आरोप लगाया है सीधे आप पर, समाजवादी पार्टी पर आतंकियों से संबंध होने का आरोप है। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग इतने बौखला गए हैं कि लखीमपुर में जो किसानों पर अत्याचार हुआ, उनको कुचला गया, वो इनके, ये लोग उनके अनुयायी हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। इंस्पेक्टर कुलदीप
सिंह सेंगर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो वो जो हत्यारे थे वो शायद पता नहीं किसी विदेश से होंगे या इनसे भाजपा से ताल्लुक नहीं रखते होंगे, उनका भी ये महिमा मंडन करते हैं और इनको ब्लॉक प्रमुख बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव के बीच में गोपाल सिंह सोम की सरगना में निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्यारे जो थे वो भी हो सकता है किसी और दल से हो। तो ये तो अपने अपने गिरेवान में झांके सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जब दूसरों पर टीका टिप्पणी बाद में करें, इनका स्वरूप रहा है दंगे कराना, लोगों की मौत पर सियासी राजनीति करना, तो बड़ी शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए। तमाम निर्मम लोगों की हत्या कर दी जाती है, विवेक तिवारी की हत्या होती है, उनके हत्यारों। अभिषेक जी, आपने एक लंबी लिस्ट गिना दी बीजेपी के ऊपर आरोपों की। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो प्रवक्ता के तौर पर आप कुछ तो जवाब देंगे या सिर्फ आरोप के बदले आरोप ही होगा? मैं तो कहता हूं न्यायिक जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच कराइए, आपकी आपकी भारत में आप केंद्र में आपकी सरकार है, कौन लोग हैं इस षड्यंत्र के पीछे, किसका किससे कनेक्शन है, जो कन्नौज में जो पैसा मिला है वो पैसा किन किन लोगों का था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पर जांच के नाम पे ये लोग पीछे फिर कहते हैं एसआईटी कर दीजिए, न्यायिक जांच पे नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार, हम तो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी पे जांच कराए कि किन लोगों का कहां से पैसा आया, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा हो। राकेश जी, अभिषेक कह रहे हैं कि आप न्यायिक जांच करवा लीजिए। क्या बीजेपी इस मामले को सिर्फ चुनावी भाषण तक रखेगी या इस पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत है? देखिए पवन जी, अभिषेक जी ने सेल्फ गोल खुद कर दिया है, कन्नौज के नोट की याद दिला करके इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के इत्र वाले जो इनके मित्र हैं उनके यहां से इस प्रकार के चित्र निकल कर आए थे कि दीवाल के पीछे से और जमीन के नीचे से नोटों की गड्डियां निकल कर के आई थी। स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का पैसा था और इसीलिए अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हुआ था, कई दिनों तक वो इसके दर्द से कराहते रहे थे, ये सबने देखा है। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, जो बात आज अभी मुख्यमंत्री जी ने कही है, ये संजरपुर आजमगढ़ का जो एरिया है जहां से आतंकवादी निकल कर के आए थे, जब इनकी धरपकड़ हुई थी तो समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में पूरी तरह से लामबंद हो गई थी, बार बार ये कह रही थी कि मुस्लिम लड़कों को यहाँ फंसाया जा रहा है, उनके साथ खड़ी हो गई थी कि ये लड़के बहक गए, लड़कों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, ये लड़के मासूम हैं, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे। आज कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी लिखाया है कि ये आतंकवादी मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय के रहे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की नियत रखते थे। कितना बड़ा इन सब का मंसूबा जो आज नाकाम हुआ, इस प्रकार के खूंखार आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाने वाले अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी की लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं। खान साहब, योगी आदित्यनाथ अगर इस आतंकी हमले का कैसे खतरनाक एक आरोपी है जिसको सजा हुई है उसके लिए समाजवादी पार्टी का कनेक्शन बताते हैं, तो क्या अगले चरणों में ये एक बड़ा मुद्दा होगा या ये मुद्दा नहीं बनेगा? आप क्या सोचते हैं बीएसपी के नजरिए से? देखिए, ये डाइवर्जन है, महंगाई पर कोई बात ना करे, कोई डीजल पेट्रोल पर बात ना करे, किसानों के खाद 50 किलो के कट्टे में से 5 किलो निकाल लिया गया उस पर कोई बात ना करे, कानून व्यवस्था पर कोई, अरे भाई न्यायालय ने जो सजा सुनाई सुनाई, इससे आपसे क्या लेना देना? आपने कुछ किया है क्या उसमें? आपने कुछ किया है क्या? वो तो अहमदाबाद के कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो ये जनता का दिमाग भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता भटकेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को 5 साल के काम दिलाने पड़ेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी। खान साहब, एक सवाल आपसे बनता है, मुद्दों की बात तो ठीक है लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो हल्की फुल्की बात तो है नहीं। एक आरोपी जिसको मौत की सजा सुनाई गई है उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है, आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, कैसे देखा जाए? क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट है? नहीं नहीं, ये तुष्टिकरण है मुसलमानों का, ये मुद्दा है क्या? जनता का ये मुद्दा है क्या?
भाई वो पकड़ा गया, उसको सजा हुई, स्वागत है उसका। लेकिन अगर किसका किसी पार्टी से संबंध है तो मुद्दा उसको आप मुद्दा नहीं होगा। अरे भाई उसके पार्टी के लोगों को पकड़िए और लोगों को पकड़िए, पूरे घर को पकड़िए, पूरे इलाके को पकड़ लीजिए, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता। एक्चुअली संकट के है ना, जनता का मुद्दा नहीं है। राकेश जी आप पर आरोप है कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है। पकड़िए, हम कब कह रहे हैं नहीं पकड़िए, सबको पकड़िए, सबको पकड़िए, जेल में भेजिए, राकेश जी चलाइए, कोई नहीं मना कर रहा। जेल में भेज, लेकिन आज जो नंगा नाच हो रहा करहल में, उसका क्या जवाब है? आरोपी आपके करहल करहल में क्या जवाब देंगे? जहां गोलियां चल रही हैं, जहां मारे जा रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे आप? आप निश्चित रहिए, करहल का भी ये कोई मुद्दा थोड़ी है। जवाब जनता देगी, कोर्ट में सजा होगी, तो मुद्दा हम घुमा रहे हैं। आपने फैसला किया क्या? मतदान करेगी? आप जवाब ले लीजिए सर, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, जवाब ले लीजिए। क्या आपने बुलडोजर चलाया क्या उसके घर पे? चलाए चलाइए बुलडोजर, चलिए चल हम करते चलाइए। राकेश जी आपको बुलडोजर चलाने की चुनौती दे रहे हैं, वरना ध्यान मत भटकाइए। मैं एमएच खान साहब को बता दूं, पहले जानकारी दे दूं। एमएच खान साहब को वैसे तो जानकारी है, लेकिन पॉलिटिकल इनकी मजबूरियां होती हैं, साथ ये स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला है, वो विधि से मत कार्रवाई हुई है, कोर्ट के आदेश से हुई है। और इन अपराधियों ने जो अकूत संपत्ति जब्त करने का काम किया है, जनता से लूटने का काम किया है, इन संपत्तियों को इसी प्रकार से निस्तारण किया जाएगा। इन संपत्तियों को निस्तारण करके भाई राकेश जी आप वकालत मत करो, ये कोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक मॉडल खड़ा किया अदालत है। आप एमएच खान साहब परेशान मत होइए, राकेश जी आपकी पार्टी जी जरा आप बताइए ना उनके कैसे हमला हुआ, आपके प्रत्याशी के ऊपर हमला कौन किया, आपके पार्टी के लोगों ने किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है? आप बताइए नाटक वहां किसने किया है? आपने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भेज के गोली चलवाई है, या समाजवादी पार्टी ने चलाई है? बताइए संज्ञान क्यों लिया? वो तो सवाल उठा रहे हैं कि आपके प्रत्याशी पर हमला कैसे हो गया अगर कानून व्यवस्था बेहतर थी तो? चुनाव आयोग को शिकायत क्यों किया आपने? आपको जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग ने क्या किया, क्या एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? एसपी सिंह बघेल जी पर हमला करने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, दोनों ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए गुंडे। जब चुनाव आयोग ने क्या किया है, चुनाव आयोग ने क्या किया बताइए, चुनाव आयोग ने क्या कहा आपने? प्रत्याशी नेता और कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आपको भी जानकारी है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो आदर्श आचार संहिता में निर्वाचन आयोग ही सारी पावर एक्सरसाइज कर रहा होता है, निर्वाचन आयोग ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट करता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? अभिषेक जी यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इस पूरे वक्तव्य में जो बात निकल कर आई कि जो दो लोग गिरफ्तार हुए वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, गड्ढा कहाँ से आ गया? आप पर आरोप लगाया जा रहा है, दिया था तो ये गड्ढा कहाँ से आ गया? भाई पवन जी मैं कह रहा हूं कि अगर कानून व्यवस्था 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने ठीक कर दी थी तो ये गुंडे कहां बच गए थे जो हमला किए हैं? या तो इनके आदमी थे या तो समाजवादी पार्टी के आदमी है, कोई आदमी हो सकता है? जवाब ले लेते हैं एक बार, अभिषेक जी बोलिए, कहां है कानून व्यवस्था? अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं, आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लगा रहे, कह रहे कि दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या अब रक्तरंजित चुनाव होगा? देखिए मैं केवल इतना कहूंगा कि जब जनता आक्रोशित होती है, जनता का जब शोषण किया जाता है, जब किसानों के साथ दुर्व्यवहार होगा, अत्याचार होगा, तो जनता खुद अपना उसका जवाब देती है। तो जनता ने उनको जवाब दिया है और एसपी सिंह बघेल को वहां से पूरे, ये उनके साथ ही नहीं, ये मेयर जहां जहां चुनाव चल रहे हैं, जनता को आप घसीटिए मत, जनता गोली नहीं चलाएगी, जनता लाठी नहीं चलाएगी, जनता लाठी नहीं चलाने वाली है। अभिषेक जी जनता के पास जब वोट का बटन दबाकर जवाब देने का ऑप्शन है तो लाठी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप लाठी चलाने को जनता का रिएक्शन कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं? माफी मांगिए आप, चैनल पे माफी मांगिए कि जनता ने ऐसा किया है, जनता ने ऐसा नहीं किया, जनता ऐसा नहीं कर सकती है, माफी मांगिए, जनता के ऊपर इल्जाम लगा लेते हैं, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जनता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, जनता मासूम होती है। खान साहब कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए, आप जनता के कंधे पर रखकर इल्जाम लगा रहे हैं, जनता के पास वोट के जरिए जवाब देने का अधिकार है, लाठी से कौन सा जवाब दिया जाता है अभिषेक जी? लाठी से नहीं, माफी मांगिए, जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, पहले प्रत्याशी थे मेरठ के सरधना के छोर गांव में गए तो किसानों ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया, उनका महिमा मंडन किया, गुड़ से स्वागत किया, गन्ने से स्वागत किया। तो हम क्या कर सकते हैं, गन्ने की मिठास को उनके उनके उनको खिलाया पिलाया जो भी है, तो ये तो जनता का प्यार है। अब आप उसको समाजवादी नाम देने लगे,
कि ये सब समाजवादी पार्टी द्वारा एक षड्यंत्र था, हर चीज में एक राजनीतिक रूप से उसका राजनीतिकरण करने लगे हर मुद्दे का, तो वो गलत है। जनता भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल राजनीति वाला नहीं है, मेरा सवाल सिंपल है। जो आप जनता का रिएक्शन और जनता का प्यार बता रहे हो, क्या आप इस तरह की घटनाओं को लेजिटिमाइज कर रहे हो और सही बता रहे हो? आपको कहना चाहिए गलत है, ये नहीं होना चाहिए, आप वो नहीं कह रहे, आप कह रहे हो कि जनता का गुस्सा था, जनता की नाराजगी थी, ये तो उसको जस्टिफाई करना हुआ, आप एंडोर्स कर रहे हैं उस बात को, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठकर कर रहे हैं ये सब। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये स्टैंड गलत है? यही मूल चरित्र है, यही मूल चरित्र है समाजवादी पार्टी का, जनता की हाथ में अपनी गुंडागर्दी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जनता, जब किसानों को कुचला जाएगा, नहीं इनको माफी मांगना चाहिए, किसानों को रोजगार नहीं, इनको माफी मांगना चाहिए, जनता का नाम, जनता को बदनाम कर रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। उद्योगपतियों के घर खजाने से भर दिए जाएंगे तो जनता अपने आप जवाब देती है, इसमें हम आप कोई भी कुछ कौन क्या कर। लोकतंत्र में जनता का जवाब तो सिर्फ वोट है सर, जनता लोकतंत्र में जनता के द्वारा अभिव्यक्ति। शिवम, शिवम हमारे साथ है, शिवम एसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं तो जनता का जवाब है भाई साहब, जिसको आप हमला कह रहे हैं, जिसको आप हिंसा कह रहे हैं, तो जनता का जवाब है, जायज ठहरा रहा है और ये स्वीकार नहीं कर रहा। जनता के नाम पर इस प्रकार के अपराध को मढ़ाने की कोशिश मत करिए आप। राकेश जी, शिवम जी, शिवम जी, शिवम जी, जनता जनार्दन के इस अपमान का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए मैं, नहीं नहीं नहीं, इनकी गलती नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनका पूरा का पूरा 15-20 साल का, 22 साल का जितना राजनीतिक करियर रहा है ऐसे ही रहा है। ये हमेशा इस गुंडागर्दी को शुरुआत से लेजिटिमाइज करते आए हैं, कोई बहुत नहीं तो बात नहीं है। ज्यादा चिल्लाने से अभिषेक जी आप सही नहीं हो जाएंगे, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये आप अफगानिस्तान में चुनाव नहीं लड़ रहे हो कि जनता जो है लोगों को मारेगी, पीटेगी, काटेगी, गन लेकर ऑफिस में पहुंच जाएगी, उड़ा देगी। हिंदुस्तान में हो भाई, या कहां से, ये क्या मतलब हुआ? जनता को जो करना होगा वो मत पेटियों में जाकर कर देगी, आपको हरा देगी करल में जाकर, जिस तरीके से आप गुंडागर्दी करा रहे हैं, लेकिन ये जनता का मत नहीं है। और एक बात और भी है, जो बार बार एमएच खान साहब कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर तो आपने ठीक कर दिया था। सर, ठीक करने का दावा तो आप भी करते हैं, आप भी कहते हैं कि बहन जी जब आई थी सब कुछ ठीक कर दिया था, ठीक कर दिया था तो कहां से आ गए ये लोग? और जहां तक बात डीएम और कमिश्नर और इन सब की, ये तो हमेशा एक ही होते हैं, 5 साल के बाद की बात करूंगा भाई, ये तुमने ठीक कर दिया तो कहां से आ गए ये लोग, ये कहां से आ गए लोग बताओगे, ये कहां से आ गए लोग ये बताओगे, गोली चल रही है, कहां से गोली चली ये बताओगे, ये बताओगे आप 5 साल के बाद, तो तुम्हें शासन करा तो है, हम मान लीजिए गलत थे तो जनता ने हमको हटा दिया, आप सही हो, आप सही हो तो बताओ कहां तुम्हारा शासन के बीच में कूदना, तुम्हारा शासन कहां चला गया, तुम्हारा शासन कहां चला गया, तुमको भी जनता हटा रही है, आप 5 साल हो गए तुमको भी जनता हटा रही है। जी जी, आप सबने इंडिया टीवी के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।